लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई. द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन. द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डिस्टेंस ए बाई टू अबव द सरफेस ऑफ द वायर टू दैट एट अ पॉइंट डिस्टेंट ए बाई टू बिलो द सरफेस इज. फर्स्ट ऑप्शन 4:1, सेकेंड 1:1, थर्ड 4:3, फोर्थ 3:4. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं एक वायर है जिसमें करंट यूनिफॉर्मली उसके पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होकर ऐसे फ्लो हो रही है. ठीक है, करंट कितनी फ्लो हो रही, आई. यहाँ पे करंट है आई. हमसे कह रहे हैं इस वायर की जो रेडियस है वो ए है. तो हमसे कह रहे हैं कि इसके सरफेस के ऊपर ए बाई टू डिस्टेंस पर, ऊपर ए बाई टू मतलब ये ए बाई टू इसके एबव हो गया, और कह रहे हैं इसके सरफेस से बिलो ए बाई टू डिस्टेंस पर, मतलब यहां कहीं बात कर रहे हैं ये डिस्टेंस ए बाई टू. कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा. बच्चों इसको हम पी वन पॉइंट मान लें, इसको हम पी टू पॉइंट मान लें. तो यहां की मैग्नेटिक फील्ड अपान यहां की मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमको बच्चों यहां पर बी पी वन अपान बी पी टू बतानी है. पी वन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अपान पी टू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई थिक वायर है तो इसके एक्सिस से, मतलब इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है इनसाइड, और बाहर स्मॉल आर डिस्टेंस पर फार्मूला क्या होता है. तो आपको मैं यहां बता दूं कि अगर कोई थिक वायर ऐसा है तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर अंदर वाले पॉइंट पे यहां मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो बी बराबर होता है. क्या होता है बच्चों, ये होता है यहां पर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान टू पाई I अपान ए स्क्वायर, अगर ए इसकी रेडियस है, ठीक है, और इंटू आर. ये होता है अंदर वाले पॉइंट पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है B बराबर म्यू नॉट अपान टू पाई I अपान ए स्क्वायर आर. और अगर यही पॉइंट बच्चों बाहर यहां स्मॉल आर डिस्टेंस पर हो तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, यहां होता है म्यू नॉट अपान टू पाई आई अपान आर. ठीक है, तो ये अंदर वाला फार्मूला हो गया, ये बाहर वाला हो गया, क्योंकि हमको पता है ना अंदर मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ती है और बाहर निकलने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगती है. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. तो यहां पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं, पी वन पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. तो यहां पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी वन. तो बी पी वन क्या आएगा बच्चों, ये आएगा म्यू नॉट अपान टू पाई आई अपान आर. तो आर का मतलब ये डिस्टेंस. तो बच्चों ये यहां से सेंटर से पूरी डिस्टेंस लेनी है. तो ये है बच्चों ए और ये ए बाई टू. तो स्मॉल आर की यहां पे वैल्यू हो जाएगी 3a/2. तो ये डिस्टेंस क्या लेंगे यहां पे अपान में 3a/2. यानी कि बी पी वन हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपान टू पाई आई इंटू टू अपान थ्री. इक्वेशन नंबर वन. अब लिखेंगे बच्चों यहां पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी टू, मतलब ये वाले पॉइंट पर ए बाई टू नीचे. तो देखो बच्चों इसके लिए क्या आएगा, बी पी टू निकालेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट अपान टू पाई आई अपान ए स्क्वायर. अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या होता है, आई अपान ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया, इनटू वो डिस्टेंस लेनी होती जो सेंटर से जितनी दूरी पर ही पॉइंट. देखो ऊपर से ए बाई टू आ गए तो नीचे से ये डिस्टेंस कितनी बचेगी इस पॉइंट की, कोई बता सकता है, टोटल ए थी ए बाई टू नीचे आ गए तो यहां से बच्चों डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये भी बचेगी ए बाई टू. तो इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस बचेगी ए बाई टू.
यानी कि अपान में आएगा ए इंटू में आएगा ए बाई टू, ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। अच्छा तो बी पी टू कितना आएगा बच्चों, ये आएगा म्यू जीरो अपान टू पाई आई अपान ए स्क्वायर इंटू टू और ऊपर बन गया ए, तो ए के से ए कट जाएगा तो टू ए सिंपल आएगा, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी पी वन अपान बी पी टू ये कितना आएगा बच्चों, ऊपर वाला वैल्यू पहले म्यू नॉट अपान टू पाई टू आई अपान थ्री ए, फिर नीचे वाला वैल्यू रखेंगे अपान में तो अपान में आएगा म्यू नॉट अपान टू पाई आई अपान टू ए। देखिए बच्चों ये पूरा कैंसिल हो गया, ये पलट जाएगा पूरा तो क्या बनेगा बी पी वन अपान बी पी टू इज इक्वल टू टू आई अपान थ्री ए है और ये पलट जाएगा तो बच्चों क्या होगा टू ए ऊपर चला जाएगा और आई नीचे आ जाएगा, आई से आई कटेगा ए से ए कटेगा यानी कि क्या आएगा फोर अपान थ्री। सो द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फोर इज टू थ्री और फोर इज टू थ्री बच्चों कहाँ दिया है बताओ जरा, बी पी वन इज टू बी पी टू हमने निकाल दिया तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आया है फोर इज टू थ्री, ये ऑप्शन नंबर बच्चों हमको यहाँ गिवेन है थर्ड, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।